दर्शकों नमस्कार, उड़ीसा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज बुधवार क्या है बरगढ़ की खबर। बरगढ़ नदीपाड़ा में अंग्रेज जमाने से रहे अलिख्या मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। यह अन्नकूट आयोजन का सिलसिला वर्षों से चलती आ रही है। अलिख्या मंदिर में दिवाली के बाद प्रसाद के रूप में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट प्रसाद लेने हजारों की संख्या में मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगती है। आइए चलते हैं, अन्नकूट संचालन करने में मुख्य भूमिका निभा रहे लोगों से जानते हैं क्या है अलिख्या मंदिर की परंपरा और क्यों किया जाता है हर वर्ष यह अन्नकूट। मेरा नाम गोपाल प्रसाद शर्मा है, अलिख्या मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जो भी जुड़े हैं सभी कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। अलिख्या मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है, अंग्रेजों के ज़माने से पहले की मंदिर है और मौर्य के ज़माने की मंदिर है। और अलिख्या मंदिर में अन्नकूट की परंपरा जो है वो महाराज कपिलपुरी महाराज जी ने चालू की थी। जिस समय अन्नकूट का मतलब नहीं जानते थे अपने पश्चिम उड़ीसा में, उस समय से चलती आ रही है और आज ये रूप हो गया है अलिख्या मंदिर के अन्नकूट का कि हर व्यक्ति हर परिवार ये चाहता है कि साल में अगर एक अन्नकूट खाएं तो अलिख्या मंदिर का खाएं। अन्न भोग में विशेष करके मूंग भात कढ़ी की परंपरा है। मूंग भात कढ़ी सब पंचमेला सब्जी और पूड़ी और एक मिठाई, चाहे बूंदी हो चाहे पूड़ा हो, कुछ न कुछ एक मीठा होता है। मेरा नाम प्रेमचंद अग्रवाल है, एक नंबर वार्ड नदीपाड़ा में रहता हूँ। अपने मंदिर जो है अलिख्या मंदिर बरगढ़ के पुरातन मंदिर में है, शिव जी की मंदिर है और यहाँ पे शुरू से अलिख्या बाबा, कपिलपुरी बाबा, काशीपुरी बाबा, बनवारीपुरी बाबा, इधर बाबा के पुरातन समय से ये अन्नकूट दिवाली के बाद चलते आ रहा है और सब धूमधाम से करते हैं गौरी शंकर बाबा की दया से और सब हर्ष उल्लास के साथ प्रसाद लेके जाते हैं। हजारों भक्तों के आस्था विश्वास जुड़ा हुआ है, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। पुरातन मंदिर है, जब श्रावण महीने में तो 20-30 हज़ार आदमी डेली आते हैं, एक महीने में कम से कम 10-20 हज़ार आदमी दर्शन करने आते हैं। आज भी कम से कम हजारों आदमी आते हैं प्रसाद। कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है, गाइडलाइन के हिसाब से सब व्यवस्था की गई है गौरी शंकर बाबा की दया से। मैं संतोष सावड़िया, नदीपाड़ा बरगढ़। ये हमारा अलिख्या मंदिर है जो कि ब्रिटिश के ज़माने से करीबन 100 साल से ज़्यादा पुराना है मंदिर है। हमारे नदीपाड़ा के ही सब और बरगढ़ के भक्तजनों द्वारा स्थापित किया गया है। पंचदशा नाम जूना अखाड़ा का ये स्थल है, यहाँ पे हमारा सबसे पुराना धुना है, 100 साल पुराना धुना है। बाबा अलिख्या इस मंदिर के संस्थापक हैं, उसके बाद महंत कपिलपुरी जी, काशीपुरी जी, डॉक्टर बनवारीपुरी जी इस स्थान के धुना के मठ के बन के रहे हैं और अभी लौकुशपुरी जी हैं हमारे इस मंदिर के महंत, उन्हीं के द्वारा ये संचालित हो रहा है। और हर साल जिस दिन से स्थापना हुआ है कार्तिक महीना में दिवाली के बाद यहाँ अन्नकूट प्रसाद वितरित किया जाता है और कोविड के नियम को पालन करते हुए उसी हिसाब से हम इस दफ़े टिफिन विफिन नहीं दे के पार्सल में हर भक्तों को अन्नकूट का प्रसाद दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं अन्नकूट का प्रथा यहाँ हमारे बरगढ़ में अलिख्या मंदिर से शुरुआत किया गया है। पहले तो यहाँ पर लोगों को बैठा के भोजन कराया जाता था, फिर बाद में टिफिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी तो प्रसाद लगा के टिफिन में भी देते थे, लेकिन अब की दफ़ा जैसे कोविड का कुछ है तो उस वजह से हम पैकिंग करके ही लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। कार्तिक महीना जो कि श्रेष्ठ महीना माना जाता है, इस महीने में भगवान का प्रसाद लगा के लोगों के प्रसाद वितरित किया जाता है। शुरू दिन से इसी चीज़ का प्रचलित है। ओम नमो नारायण, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं महंत लौकुशपुरी, वार्ड नंबर 1, अलिख्या मंदिर उड़ीसा। ये अन्नकूट का भंडारा आज था क्योंकि दीपावली के उपलक्ष्य के बाद में यहाँ पे अन्नकूट का परंपरागत से चल रहा है भंडारा विगत कई वर्षों से और सदैव ऐसे ही चलता रहेगा और सभी यहाँ हमारे बरगढ़वासी और सभी क्षेत्रवासी जितने भी हैं यहाँ के सभी लोग प्रसाद यहाँ वितरित किया जाता है और प्रसाद सब कोई पाते हैं और यहाँ मंदिर में ऐसा ही कार्यक्रम सदैव मतलब निरंतर कई वर्षों से हमारे भक्तों के सहयोग से और सभी के सानिध्य में ये आप लोगों के ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।